सभी कर्मचारी 30 से 35 वर्षों तक कंपनी में कर चुके हैं कार्य। दशकों के बाद कर्मचारियों के सर्टिफिकेट जांचने की कंपनी को आई याद। फर्जी सर्टिफिकेट होने की बात कहकर 19 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। निकाले गए कर्मचारियों ने शुरू की भूख हड़ताल। कर्मचारियों को मिलने लगा है आसपास के ग्रामीणों का भी समर्थन। आसपास के ग्रामीणों ने की महापंचायत। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की बिगड़ने लगी हालत। कंपनी प्रबंधन ने कुछ भी कहने से किया इंकार। बाहर निकल गए कर्मचारी अधिकारियों से लेकर बड़े नेताओं तक लगा चुके हैं गुहार। जड़थल गांव में कर्मचारी बैठे हैं भूख हड़ताल पर। मेरा नाम है जी मुकेश सैनी। हम 1 नवंबर को निकाल दिए थे बिना नोटिस किए, और हम मंत्रियों के पास भी हुई आए, कुछ हमारी सुनाई नहीं करी। और मेरी लड़कियों की शादी है फरवरी में, हम परेशान हो रहे हैं जी। और हम बड़े दुख की बात है जी, या तो हमें अंदर लो या हमारे न्याय दो। क्या कारण रहा, क्या कारण कुछ बताया था आपको, किस कारण से आपको कंपनी ने निकाला? नोटिस भी नहीं दिया कंपनी को, बगैर नोटिस दिए निकाल दिया। कोई कारण नहीं बताया, कोई कारण किस किस अधिकारी या नेता के पास आप तक? हम गृह मंत्री अनिल विज के पास हुई आए, दुष्यंत चौटाला के पास हुई आए, और डॉक्टर बनवारी लाल के पास। उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, कोई काम नहीं किया। कोई काम? क्या मांग है? मांग ये है, या तो हमें अंदर लो या फिर हमारा हिसाब बढ़िया। किस तरह के हिसाब चाहते हैं? जो आज मुझे 35 साल होंगे नौकरी करते करते जी, तो हमारा बढ़िया सा हिसाब होना चाहिए ताकि हम अपना धंधा करें। जो कर्मचारी है इनको करीब करीब कितना कितना समय कंपनी में हो गया? मेरे को तो 35 साल हो गए सर। और इनको सभी को 35 साल तक, 20 से लेके और 35 साल तक की हो गए सबको। तो इनको हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा अगर हिसाब भी करना है तो थोड़ा सा VRS वगैरह देके हमें अच्छी कंपनी ना रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा VRS भी मोहित जी को अपना छोटा मोटा काम धंधा तो खुल जाएगा जी। वैसे बताओ भूखे मरेंगे हम जी, भूखे मरे, भूख में रहता हूँ किराए पे। और अपने मेरे बच्चे कितने दिन हो गए यहाँ पे अनशन पे, अकेले है वहाँ, उनको छोड़ के बैठा हूँ जी, एक दाना नहीं खाया जब से यहाँ बैठे। आज भी सरपंच जी जो हमारे सरपंच आए थे, इन सब ने दिलासा दिया जी आप लोगों का कुछ ना कुछ समाधान करवाएंगे। आप अनशन तो तोड़ो, लेकिन हमने अनशन नहीं तोड़ा है। बाकी उनकी ज्यादा वो करने से जो भी सरदारी आई थी सारी गाँवों की, आसपास के गाँव की भी सरदारी आई है, उनके कहे के बावजूद तो उन्होंने कहा था भाई थोड़ी चाय तो ले लो, हमने वो ही मना कर, लेकिन ये है जी हमने चाय भी मना कर दिया था। बाकी ये सरदारियों की जो सरदारी आई थी उनकी इज्जत के लिए हमने चाय का घोट पिया जी बस, और आगे अनशन हमारा जारी रहेगा। लेकिन बाकी चाय ली थी जी, बाकी और कुछ नहीं, ना ही खाएंगे हमको खाना पीना अपना भी। किस तरह के कर्मचारी को अगर इतने दिन हो गए अनशन पर, किस तरह की हालत बनी हुई है अभी? सर देख लो जी आप कैसे लेटे हुए, बुरे हालात हो रहे जी हमारे, तबीयत लगातार बिगड़ रही है, बिगड़ रही है। एम्बुलेंस भी आई थी, उन्होंने चेकअप भी किया था, दवाइयां भी दी, इंजेक्शन भी लगाए, सारे काम किए थे उन्होंने। दिनेश चौहान जी, क्या है, कब से आप यहाँ अनशन पे हो, क्या आपकी मांगे हैं? सर हम 22 तारीख से अनशन पे हैं जी, और हमारी मांगे यही है 19 भाइयों की, जो हमारे साथी बाहर हैं इन्हें अंदर लिया जाए जी, और अनशन पर हमारा अनशन खत्म किया जाए। किस वजह से आप, क्या क्यों आपको कंपनी से बाहर निकाला था, क्या वजह रही थी? कंपनी ने हमें कुछ ना तो कोई नोटिस दिया जी, और ना कोई हमें ऐसा कोई वो मुद्दा दिया कि भाई हम तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं। और इन्होंने हमें 1 नवंबर से बाहर निकाल रखा है जी, जबकि लगभग 3 महीने से ऊपर होने को जा रहे हैं, और कंपनी ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। आप इसको लेकर अधिकारियों के पास भी गए थे, तो क्या अधिकारियों ने हम बहुत से अधिकारियों के पास गए हैं जी, उन्होंने सिर्फ हमें एक आश्वासन ही दिया है, बाकी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं किया इस चीज का कि भाई हम आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ ये एक आश्वासन ही मिला है।
आज पंचायत भी हुई थी काफी गांव के यहाँ, तो उसमें क्या निर्णय निकल कर आया, क्या कहा है उन्होंने? सर जो हमारी हम यहाँ जिस पंचायत में भी गांव जड़थल में आए हैं, वहाँ से बहुत से सरदारी आई हैं, आस पड़ोस के गांव के भी पंच सरपंच आए हैं और जड़थल गांव की भी बहुत से लेडीज वगैरह जो भी है पंचायत के पंच सरपंच हो बहुत से आए थे। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है अभी जो भी होगा तुम्हारा हम अच्छा सा वो करवाएंगे, या तो हम तुम्हें कंपनी में करवाएंगे। उन्होंने हमें जो कुछ आश्वासन दिया है वो हमें बहुत बढ़िया। और भी जी क्या कहेंगे? जी नमस्ते सभी भाइयों जी, क्या कहेंगे आप अनशन पर, क्या मांगे हैं, किस वजह से आपको यहाँ अनशन करना पड़ा? जी हमारी कोई मांग नहीं है, मेरे 19 भाइयों को कंपनी ने बगैर नोटिस दिए हुए कंपनी से बाहर निकाल दिया और 3 महीने हो गए अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। जो कि गृह मंत्री अनिल विज, डॉक्टर बनवारी लाल और अपने डिप्टी सीएम जी के भी पास गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं है। और इन्होंने लास्ट में ये धरना जो दिया अन्य का, तो ये यहाँ लास्ट उम्मीद है ग्राम पंचायत जो जड़थल में बैठे हुए हैं मेरे सभी भाई और बाहर से आई हुई सरदारी, उनको मैं सभी का मान सम्मान करता हूँ। जो भी बाहर से आई हुई सरदारी का जो उन्होंने आज आश्वासन दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है, आपको न्याय दिलाएंगे और जो भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही कराएंगे, आपको या तो नौकरी दिलाएंगे, उसके बाद भी ये दिलासा आश्वासन देके आश्वासन दिए आज पंचायत में जी। अभी अधिकारियों वगैरह ने कोई आपसे संपर्क नहीं किया? नहीं जी, किसी ने संपर्क नहीं किया, कोई अधिकारी कोई नेता आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा? जी नहीं, कोई अधिकारी कोई नेता हमारे पास नहीं पहुंचा। कोई नहीं, लेकिन मेरे इन सभी भाइयों को काम करते हुए 20 से 35 साल हुए, जो कि ट्रेनिंग टाइम में कंपनी ने आज ये कह रही है झूठा आरोप लगा के बाहर गिरे, ट्रेनिंग टाइम में कन्फर्म लेटर जो कंपनी देती है, तो इन मेरे भाई सभी के पास कन्फर्म लेटर दिया हुआ है कंपनी द्वारा और 10 साल से 15 साल और 30 साल का अवार्ड भी दिया हुआ है जो कंपनी द्वारा दिया गया है, तो एक झूठा आरोप है सरासर। और एक लाल बिहारी मिश्रा जी आए हुए हैं जो बिहार के हैं, उन्होंने तो तानाशाही कह रखी है कि हम इन लोकलों को रखेंगे नहीं जो बाहर की लेबर ले आई जा रही है। बाहर की लेबर है सर? जी बाहर की लेबर ले आई जा रही है। आपके साथ किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो किसको जिम्मेदार? और मेरे इन सभी भाइयों के साथ कोई किसी प्रकार का हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवार कंपनी की मैनेजमेंट लाल बिहारी मिश्रा और डॉक्टर हंस और कमेटी के मेंबर, मेरी यूनियन पदाधिकारी सभी मेंबर होंगे। आपकी यूनियन में तो यूनियन आपके आगे नहीं आ रही? जी यूनियन मैनेजमेंट से मिली हुई है जी, यूनियन जो है यूनियन के पद अधिकारी कुलदीप यादव बिठवाना से हैं और वे मैनेजमेंट से मिले हुए हैं और एक सतपाल है जी, वे मैनेजमेंट से मिले हुए हैं। इन दोनों की वजह में इन बालकों का शोषण हो रहा है, इन बच्चों का शोषण हो रहा है। अभी रुक जाओ थोड़े दिन और रुक जाओ अभी, और अभी ये कमेटी नहीं है, ये बच्चों के लिए ये यूनियन नहीं है, ये मैनेजमेंट है, इसमें बहुत भारी शोषण हो रहा है। अंग्रेजी राज आ गया है जी, अंग्रेजों का राज आ गया है जी। धन्यवाद सभी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा।